नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 12 सितंबर शनिवार सुबह 7:15 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को प्रदेश के शिक्षा जगत को करोड़ों की सौगात दी। कोरोना संकट के कारण प्रदेश की डगमगाती आर्थिक स्थिति के बावजूद सीएम गहलोत ने आज 85 करोड़ की लागत से विकसित प्रदेश के विभिन्न तकनीकी व उच्च शिक्षा कॉलेज के नए भवनों व अन्य सुविधाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री आवास पर VC के माध्यम से हुए इस लोकार्पण कार्यक्रम में अधिकांश भाजपा विधायकों के क्षेत्र से जुड़े थे। जयपुर जिले के अमेर थाना क्षेत्र में मंदिर की छत गिरने से 3 लोग घायल हो गए जबकि 1 की मौत हो गई। सूचना पर चंदवाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र के गांव अणी में यह घटना हुई। पुलिस ने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है, वहीं मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। जयपुर शहर में स्थित पुलिस हेडक्वार्टर में शुक्रवार को 20 अफसर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें एक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रैंक के एक अधिकारी भी संक्रमित पाए गए हैं, जिन्होंने 8 सितंबर को ऑफिस में काम किया था। गौरतलब है कि PHQ से 1 दिन पहले कुल 100 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 20 संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज किया जा रहा है। परीक्षाओं के टकराव मामले में RASSB ने बड़ा फैसला लेते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। जानकारी के अनुसार अक्टूबर महीने की प्रस्तावित परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। इसके अनुसार 4 अक्टूबर को फार्मासिस्ट ग्रेड 3 सीधी भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। इसी प्रकार 10 अक्टूबर को होने वाले अन्वेषक सीधी भर्ती परीक्षा, 11 अक्टूबर को होने वाले कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। यह परीक्षा विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को देखते हुए और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के कारण परीक्षा स्थगित की गई है। नई परीक्षा तिथियों की घोषणा बाद में होगी। कोटा जिले में रिश्वतखोर ASI के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया है। जानकारी के अनुसार ACB ने ASI गोविंद सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। ACB कोटा देहात के इंस्पेक्टर वासुदेव सिंह ने जुलाई 2020 में ASI को बोरखेड़ा थाने के पास एक प्रॉपर्टी डीलर ऑफिसर से 20,000 रुपये की रिश्वत लेते ट्रैप किया था। सिरोही जिले के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र में टेम्पो बाइक की टक्कर से 5 लोग घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि हादसा थाना क्षेत्र के नितोड़ा रोड पर हुआ। हादसे में 2 महिला, 1 मासूम सहित 5 लोग घायल हो गए। घायलों को निजी वाहन की सहायता से अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जाँच कर रही है। सिरोही जिले के स्वरूपगंज जिला स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विश्वा खनिज नाम की बायोडीजल फैक्ट्री को सील किया है। जानकारी के अनुसार यह फैक्ट्री बिना लाइसेंस के ही बायोडीजल बनाने की चल रही थी। पुलिस ने बताया कि इतना ही नहीं, यह फैक्ट्री अब तक करोड़ों रुपए का डीजल तैयार कर बेच चुकी है। नियमानुसार इसके लिए बायोफ्यूल अथॉरिटी ऑफ राजस्थान का लाइसेंस होना जरूरी है। यह फैक्ट्री तहसीलदार कल्पेश जैन की उपस्थिति में सील की गई। यह कार्रवाई SP पूजा अवाना के निर्देशन में की गई। यह फैक्ट्री स्वरूपगंज के रिको एरिया में चल रही थी। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए अवकाश की घोषणा की गई है। जानकारी के अनुसार इसके लिए वित्त विभाग ने आदेश जारी करते हुए संबंधित जिला कलेक्टर को अधिकृत किया है। इसके अनुसार 28 सितंबर, 3 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 10 अक्टूबर को संबंधित पंचायती राज चुनाव क्षेत्र में अवकाश रहेगा। श्रीगंगानगर औषधि नियंत्रक विभाग द्वारा विभिन्न मेडिकल स्टोर की जांच में अनियमितताएं पाए जाने के कारण 5 मेडिकल स्टोर के अनुज्ञा पत्र निलंबित किए गए हैं। जानकारी के अनुसार मेडिरेड फार्मा श्रीगंगानगर से 10 NDPS दवाओं की स्वीकृति को विड्रॉ कर लिया गया है। औषधि सहायक निदेशक औषधि DS उप्पल ने बताया कि श्री श्याम मेडिकोस पदमपुर, आइकॉन फार्मा श्री गंगानगर, मेडिरेड फार्मा श्री गंगानगर का 21 से 27 सितंबर, राजस्थान मेडिकल स्टोर सूरतगढ़ का 21 से 30 सितंबर तथा श्री गणेश मेडिकल स्टोर गांव दौलतपुरा का 21 से 25 सितंबर के लिए अनुज्ञा पत्र निलंबित किए गए हैं। अलवर बहरोड मार्ग पर रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें 1 दर्जन सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई। सभी घायलों को बहरोड के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि अलवर की तरफ से आ रहे ट्रक ने ओवरटेक करने के दौरान सामने से आ रही रोडवेज बस को टक्कर मार दी। हादसे में रोडवेज की आगे की बॉडी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में बस चालक का पैर टूट गया है, तो वहीं दर्जन भर सवारियों को भी चोटें आई हैं, जिनका इलाज जारी है।
ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.